तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये जरा सीक्रेट वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, एक भाई आज शर्मा रहा है, पता नहीं ये क्यों शर्मा रहा है, इसको जरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 4:15 और हम लोग बोझा बिस्तर लेके जिंदगी के लंबे राइड पे, और काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद ये चीज़ तय हुई थी कि सुबह 3 बजे उठ के हम 4 बजे निकल जाएंगे, पर जो हमारा उठाने वाला बंदा था सबसे आगे से, जिसने हेलमेट डाला है, वो कह रहा वो सोया रह गया बेचारा। तो 2 जन वहाँ से निकालेंगे भाई, हम 2 जन यहाँ से चलते हैं, आ जा। काफ़ी अंधेरा, 4 बज रहा है अभी, सुबह सुबह निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बाइक के पास जाके मिलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपनी जिंदगी की पहली सबसे लंबी राइड पे। ये देखिए आप, जरा कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे पीछे के जाइए, कैसा हमारा सेटअप है, इसमें हमारे ज़रूरी सामान जो चाहिए। 100 रुपये में हमने इतना बेहतरीन सेटअप, 100 रुपये का सेटअप है भैया, 2 स्पीकर की जिससे थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके, 2 बाइकें पूरे जैकेट वैकेट के साथ, हमारा एक कैमरामैन भाई। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते में। तो देखिए आप लेफ्ट साइड, दोस्तों ये है हमारा पहला स्टॉप, ये है कोसी का एरिया, जैसा आप देख सकते हैं चारों तरफ, और नीचे आप अगर कैमरामैन से हम दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप आए और कोसी नदी का नज़ारा दें। अरे भाई बंदे, कॉपीराइट लग जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा यार, कानून में उसी कितने पैसे नहीं जमा रहे। जी जा सकते हैं ना, पागल अभी कॉपीराइट लग जाएगा। अभी हम आधे घंटे में पहुंच गए कोसी, हमें निकल गए 4:30 बजे जब हमने बाइक का इंजन स्टार्ट कर दिया था, और अभी बज रहा है 5, तो आधे घंटे में अल्मोड़ा से कोसी का सफर हो चुका है, तय कर चुके हैं हम करीबन 20 किलोमीटर। तो हम आपको सभी को बता देना चाहते हैं कि हम जा रहे हैं, अभी नहीं बताएंगे हम आपको। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग निकले हैं अल्मोड़ा से ग्वालम की तरफ। तो काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि ग्वालम बहुत बढ़िया जगह है, तो हम लोग वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करने के जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे क्या है ग्वालम में ऐसा कि लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद तो कोई प्लान नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाना है, क्या जाना है, तब तक हम आपको दिखाएंगे यहाँ से रूट। एक भाई हमारा वहाँ व्यस्त हो रहा, पता नहीं अपने फ़ोन में, उसका समझ में नहीं आ रहा, वो जरा इधर। हेलो, और ये पता नहीं क्या क्या करने में, ये भाई हमारा उस बाइक को चला रहा है और उस बाइक को मैं चला रहा हूँ, काफ़ी सही चल रहा है सिस्टम, देख सकते हैं आप। एक बैग ये हमारे पास, एक बैग वो है, एक बैग इसे टांगा हुआ है, तो हमारे 4 लोगों के कपड़े 3 बैगों में, हमने खाने पीने के लिए कुछ सामान रखा हुआ है रास्ते के लिए, और बच गया है 5। कुछ है पता नहीं क्या है, पता नहीं हमें कुछ ही है, कुछ है खाने का वो बता नहीं सकते क्योंकि वो ज़रा सीक्रेट वाली बात है, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो लोग के छू वो करेंगे, हाँ उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो सकती है, वो हमारा एनर्जी ड्रिंक है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे और आपको दिखाते हैं ग्वालम कैसे कैसे जाना है, बीच में कट लगाते हुए दिखाते रहेंगे कि कैसे आपने कहाँ को जाना है, कैसे कहाँ को जाना है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों ये है पहला कट, यहाँ से एक जाता है रानीखेत को, एक जाता है कौसानी की तरफ, कौसानी यहाँ से है 34 किलोमीटर और रानीखेत यहाँ से है 33 किलोमीटर। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जा रहे हैं ग्वालम, तो हमें पकड़ना पड़ेगा कौसानी वाला रूट, और जैसा देख सकते हैं नज़ारा चारों तरफ का बिल्कुल साफ़ सुथरा, सुबह की पहली किरण पड़ चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारी बाइक, इसके जरा मीटर में भी ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी लेट हो जाएगा रुकते रुकते।
तो थोड़ा आगे आके हमने देखा जो हमारा दूसरा राइडर है उसके पीछे जो पिलियन है उनके पास हमारे बड़े भाई, वो देखिए कैसे बैठे हैं पीछे से दोनों साइड से हाथ पकड़ के डर के मारे बेचारे, क्योंकि बाइक चल रही है रफ्तार से सराटे रहा है। ये देखिए आप रोड थोड़ा सा बहुत थोड़ा गंदा वाला पैच आ चुका है, शायद इस रूट में यही एक गंदा पैच होगा, बाकी आगे को रूट अच्छा है, जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ पे बताएंगे। तो गौतम का रास्ता कौसानी होते हुए गरुड़ होते हुए हम निकलते हैं गौतम की तरफ, और आप राइट साइड को देखिए दोस्तों अपने दूसरे स्टॉप पे, और उसका नाम है सोमेश्वर। जैसे कि आपको पता होगा सोमेश्वर कौसानी से पहले बढ़ता है और यहाँ से कौसानी करीब 10 किलोमीटर अब रह गया है। तो आप जैसे राइट साइड को देख सकते हैं हरियाली देखिए, ठीक है टाइम हो रहा है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं 6 बजने में अभी 10 मिनट है, और हमने आपको बताया था 4:30 बजे निकल चुके थे, तो 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए सोमेश्वर। 1 घंटा ज़्यादा ही लग गया, पर हाँ धीरे धीरे चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और रात लंबा जा रहे तो इस चक्कर में तेज चला नहीं रहे। और अभी हमारे दो साथी पीछे ही रह गए, तो उनके लिए हम यहाँ पर रुक के ज़रा इंतज़ार करते हैं और थोड़ा अपने ऊँटों को भी आराम देते हैं। थोड़ा नज़ारे हैं आप इंजॉय कीजिए, पूरा देखो ऊपर तक। बाल कैसे हो रहे हैं, और मेरे बालों के लिए आप अगर कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, मेरे बाल तो कैसे लगे पकड़। और आगे से अभी आने वाले हैं हमारे मेन राइडर, ये देखिए खुशी खुशी, ये देखिए खुशी, इनकी हंसी देखिए। कॉपीराइट आएगा गाना बंद कर दो, कॉपीराइट आएगा गाना बंद कर दो। और मौसम देखिए, काफ़ी मौसम भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है हमारा, सुबह लग रहा था कि ठंडा होगा और अभी पिछवाड़े मेरे भी थके, पर ठीक है देखिए दोस्तों, बच्चे मूवी नहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे, पवन कैसा लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे, आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत मजा आ रहा है, इनको डर लग रही है बार बार, आप देख सकते हैं जैसे हमने आपको पिक्चर दिखाया था, ये बार बार इस चीज को पकड़ रहे हैं, इनको डर भी लग रही है। और जो मेरे बाल इतने स्मार्ट लग रहे हैं, और हम ये पहुंचे हैं सोमेश्वर, जैसे आप देख सकते हैं सामने ये नदी, ये हमारी बाइक है, हम जा रहे हैं, ये पुल, ये इधर को एक और पहाड़, और ये भी पेड़, और एक खेत, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारा मजा। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं, बाल हमारे खराब हो चुके हैं, बाल तो मेरे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बाल बनाए, बीच से मांग भी निकली है, बहुत तगड़े बाल, और नजारा पीछे का नजारा देखो, वीडियो बनते हैं फोन ऑन करके, ये देखिए ये हमारा भाई आज शर्मा रहा है, पता नहीं ये क्यों शर्मा रहा है, इसको जरा डायलॉग भूल चुका है, आप उतारो जरा हेलमेट।